हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शमसुल और जानकारी पूरी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेबर कार्ड के बारे में। काफ़ी दिनों से, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि यूपी BOCW वेबसाइट वर्क नहीं कर रही थी और बंद चल रही थी, तो इस वजह से काफ़ी दिनों से लेबर कार्ड नहीं बन रहे थे। और अभी कुछ दिनों के लिए वेबसाइट चालू भी हुई थी तो उस पर OTP नहीं आ रहा था। लेकिन दोस्तों, अब दोबारा से यूपी BOCW वेबसाइट शुरू हो गई है और आप लोग इस वेबसाइट के जरिए एक नया लेबर कार्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से एक नया लेबर कार्ड बना सकते हैं और नया लेबर कार्ड बनाने के लिए आप लोगों के पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता देता हूं कि एक नया लेबर कार्ड बनवाने के लिए आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद आपका अकाउंट किसी भी बैंक में होना चाहिए और उस बैंक की पासबुक भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि पासबुक को आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास एक स्वप्रमाणित घोषणा पत्र होना चाहिए। ये कहाँ से मिलेगा ये मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बता दूंगा। और दोस्तों, उसके बाद जो चौथा डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास एक नियोजन प्रमाण पत्र होना चाहिए। नियोजन प्रमाण पत्र क्या होता है वो मैं आप लोगों को सिंपल भाषा में बता देता हूँ। मान लेते हैं आप लोग कोई सा भी काम कर रहे हैं और किसी भी ठेकेदार के अंडर में कार्य कर रहे हैं, तो आप लोगों को उस ठेकेदार से एक सादा कागज़ पर लिखवा लेना है कि आपने उसके यहाँ इतने दिनों तक कार्य किया है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप लोग जब भी वहाँ पर कार्य लिखवाओ तो 90 दिनों से कम नहीं लिखवाना है, क्योंकि कम से कम 90 दिन कार्य किया होना चाहिए। तो 90 दिन आप लोग उस पर कार्य लिखवा लेंगे, उसके बाद अपने ठेकेदार की मोहर और साइन करवा लेंगे। अगर मोहर उसके पास नहीं है तो आप लोगों को सिर्फ साइन ही करवा लेने हैं और उस कागज को आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं नियोजन प्रमाण पत्र। अगर दोस्तों आप लोग सादा कागज पर नहीं लिखवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को एक लिंक दे दूंगा। आप लोग क्लिक करेंगे तो उस फॉर्म को आप लोग प्रिंट निकलवा करके उस पर भी आप लोग अपने ठेकेदार के मोहर और साइन करवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपके पास एक पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। तो दोस्तों, ये पांच डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंप्लीट होने चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो आप लोग एक नया लेबर कार्ड बनवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस प्रकार से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक नए लेबर कार्ड के लिए ऑनलाइन ही आवेदन करना है। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग UP BOCW वेबसाइट पर आ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है श्रमिक का, तो आपको यहाँ पर श्रमिक वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे उसके बाद श्रमिक पंजीयन और संशोधन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर आप जिसका भी श्रमिक कार्ड बनाना चाहते हैं उसका आधार नंबर एंटर कर देना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ से उसका मंडल सिलेक्ट कर लेना है, आपका जो भी मंडल लगता हो। मंडल सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से अपना जिला सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को उस मोबाइल नंबर को एंटर करना है जो भी आप लोग अपने लेबर कार्ड में रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको आवेदन संशोधन करने वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने जो भी यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर किया है इस मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर OTP फिल कर दी। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रमाणित करने वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर श्रमिक का आधार संख्या पहले से ही एंटर रहेगा, यहाँ पर मंडल भी पहले से ही एंटर रहेगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर श्रमिक का नाम फिल करना है, श्रमिक के पिता का नाम फिल करना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है स्त्री या फिर पुरुष। उसके बाद यहाँ पर श्रमिक की जन्मतिथि आप लोगों को फिल करनी है और आयु यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ नीचे के साइड में आना है, यहाँ पर आप लोगों को एक कंसेंट देना है। उसके बाद और कुछ नीचे की साइड में आना है, यहाँ पर आप लोगों को एक बार और कंसेंट दे देना है। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आधार सत्यापन, तो आपको आधार सत्यापन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। और आप लोग जिस भी दिन श्रमिक का लेबर कार्ड बना रहे होंगे आप लोगों को यहाँ पर उसी दिन की तारीख भी देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा श्रमिक के पंजीयन का आवेदन पत्र। अगर आप लोग खुद से आवेदन कर रहे हैं तो आप लोगों को इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा, और अगर आप लोग CSC ID के माध्यम से आवेदन कर रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा CSC यूजर। उसके बाद आप लोगों को इस फॉर्म को दो भागों में कंप्लीट करना है। सबसे पहले भाग वन को कंप्लीट करना है, उसके बाद भाग टू को। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि भाग वन में आप लोगों को क्या क्या फिल करना है। यहां पर श्रमिक का आधार संख्या पहले से ही फिल रहेगा। उसके बाद आवेदन संख्या अभी नहीं मिली है इसलिए यहाँ पर आवेदन संख्या नहीं आ रही है। श्रमिक के पास अगर राशन कार्ड संख्या है तो आप लोग यहाँ पर फिल कर सकते हैं, अगर राशन कार्ड नहीं है तो इसे आप लोगों को खाली छोड़ देना है। यानी कि जहाँ पर आप लोग ये देख रहे हो लाल कलर का यहाँ पर स्टार बना हुआ है ये आप लोगों को ज़रूर फिल करना है, और जहाँ पर ये लाल कलर का स्टार नहीं बना है इसे आप लोग छोड़ सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर श्रमिक का नाम और श्रमिक के पिता का नाम पहले से ही फिल रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर श्रमिक की माता का नाम फिल कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर माता का नाम फिल करेंगे, हिंदी में यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको कार्य का प्रकार सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों को लगभग 40 प्रकार के कार्य मिल जाएंगे। इनमें से श्रमिक जो भी कार्य करता है आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। कार सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जन्मतिथि पहले से ही सिलेक्ट रहेगी और वैवाहिक स्थिति सिलेक्ट कर लेनी है। विवाहित या फिर अविवाहित जो भी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से जाति का नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक, तो इनमें से आपकी कैटेगरी जो भी आती हो आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर पहले से ही फिल रहेगा। जिस भी मोबाइल नंबर के माध्यम से आपने रजिस्ट्रेशन किया है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नियोजक का मोबाइल नंबर आपको फिल कर देना है। नियोजक का मोबाइल नंबर फिल करने के लिए आप लोगों ने जिस भी ठेकेदार के माध्यम से अपने नियोजन प्रमाण पत्र पर साइन करवाए हैं और नियोजन प्रमाण पत्र पे जिस भी ठेकेदार का नंबर दिया है उसी मोबाइल नंबर को आप लोगों को यहाँ पर फिल करना है और वही नाम और पता यहाँ पर भी आप लोगों को फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आवेदक का पत्र व्यवहार का पता, यहाँ पर आप लोगों को आवेदक का पूरा पता फिल कर देना है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर जिला पहले से ही सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी तहसील सिलेक्ट कर लेनी है। तहसील सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, सबसे पहला नगर निकाय और दूसरा विकास खंड। तो अगर आप लोग कस्बा या फिर शहर में रहते हैं तो आपको यहाँ पर नगर निकाय वाले ऑप्शन पर ही सिलेक्ट रहने देना है, और अगर आप लोग गाँव में रहते हैं तो आपको यहाँ पर विकास खंड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर पेज थोड़ा रिफ्रेश होगा और उसके बाद यहाँ से आप लोगों को अपना विकास खंड सिलेक्ट कर लेना है। विकास खंड सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से अपना वार्ड या फिर अपना गांव सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपके एरिया का जो भी पिन कोड है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। पिन कोड एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आपका जो भी पोस्ट ऑफिस है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना थाना लिख देना है, आपका थाना जहाँ पर भी लगता हो। उसके बाद यहाँ पर गली या फिर मोहल्ले का नाम, आप लोग चाहो तो यहाँ पर अपने विलेज का नाम भी फिल कर सकते हो, और यहाँ पर मकान संख्या, अगर मकान संख्या है तो आप लोग फिल कर सकते हैं और अगर नहीं है तो आप लोग इसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आवेदक का स्थायी पता, यानी कि अगर आप लोगों का करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम ही है तो आप लोगों को यहाँ पर इस वाले बॉक्स में टिक लगा देना है, तो आपका जो भी ऊपर एड्रेस फिल किया हुआ रहेगा वही एड्रेस आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोगों का परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस अलग अलग है तो आप लोगों को यहाँ पर अपने हिसाब से फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ नीचे के साइड में आ जाना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि गत 12 महीनों में आपने कितने दिनों तक कार्य किया है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है आप लोगों को यहाँ पर 90 दिनों से कम कार्य फिल नहीं करना है, क्योंकि कम से कम 90 दिनों तक कार्य किया हुआ रहना चाहिए। तो आप चाहे तो यहाँ पर 90 दिन भी लिख सकते हैं, और आप लोग चाहे तो 120 दिन या फिर इससे अधिक भी लिख सकते हैं। और आप लोगों को ध्यान रखना है आप लोगों के नियोजन प्रमाण पत्र में जितने भी दिन कार्य आपने लिखे हैं उतने ही दिन आपको यहाँ पर भी लिखने हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है यदि श्रमिक मनरेगा में कार्यरत है तो टिक करें। अगर आप लोग मनरेगा में कार्यरत हैं और मनरेगा की किताब आपके पास है तो आप लोगों को इस वाले बॉक्स में टिक लगा देना है, अगर नहीं है तो आपको इसे ऐसे ही रहने देना है। और उसके बाद यहाँ पर आप कितने सालों के लिए नवीनीकरण करवाना चाहते हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप लोग एक वर्ष सिलेक्ट करेंगे तो आपको कोई भी पैसा देना नहीं पड़ेगा। दो वर्ष अगर आप लोग सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर 20 रुपये की फ़ीस कटेगी, और अगर आप लोग तीन वर्ष सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर 40 रुपये की फ़ीस कटेगी। तो मैं यहाँ पर एक ही वर्ष सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक वर्ष के लिए आपको कोई भी फ़ीस देनी नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर नॉमिनी का विवरण फिल करना है, और अगर दोस्तों नॉमिनी भी श्रम विभाग में पंजीकृत है यानी कि आप जिसे भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका भी लेबर कार्ड बना हुआ है तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से टिक कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर नॉमिनी का आपको पंजीयन संख्या भी डालना पड़ेगा। अगर कार्यरत नहीं है तो आप लोगों को ऐसे ही इसे रहने देना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको नॉमिनी का नाम अंग्रेजी में लिख देना है। अंग्रेजी में आप लोग जब यहाँ पर लिखेंगे तो हिंदी में ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से श्रमिक से संबंध सिलेक्ट कर लेना है कि आपने जिसे भी नॉमिनी सिलेक्ट किया है उसका श्रमिक से क्या संबंध है। उसके बाद आपकी ये डिटेल कंप्लीट हो गई। अब आपको यहाँ पर बैंक का विवरण देना है। बैंक का विवरण इसलिए देना है क्योंकि लेबर कार्ड की जितनी भी योजनाओं का पैसा आने वाला है वो आप लोग यहाँ पर जो भी बैंक का विवरण देंगे इसी बैंक अकाउंट में आपके लेबर कार्ड का सारा पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा, इसलिए आप लोगों को खाता संख्या है बहुत ही ध्यान से फिल करनी है।
उसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट संख्या फिल करनी है, यहाँ पर आईएफएससी कोड फिल करना है, बैंक का नाम आपको फिल करना नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप लोग आईएफएससी कोड एंटर करेंगे तो बैंक का नाम ऑटोमेटिक ही आ जाएगा और शाखा का नाम भी यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से खाता का प्रकार सिलेक्ट कर लेना है, बचत खाता है, चालू खाता है या फिर जनधन खाता है। खाता का प्रकार सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप ईपीएफ में पंजीकृत हैं या फिर नहीं है। अगर पंजीकृत हैं तो आपको यहाँ पर अपनी पंजीकरण संख्या एंटर करनी है, अगर नहीं है तो आप लोगों को ये दोनों बॉक्स खाली छोड़ देने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ नीचे की साइड में आना है। मैंने आप लोगों को जो भी 5 डॉक्यूमेंट्स बताए थे उन 5 डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों को यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर श्रमिक की फ़ोटो अपलोड करनी है, उसके बाद स्वप्रमाणित आधार कार्ड की एक फ़ोटो कॉपी यहाँ पर अपलोड करनी है, यहाँ पर बैंक पासबुक की एक फ़ोटो अपलोड करनी है, यहाँ पर स्व घोषणा पत्र की फ़ोटो अपलोड करनी है। और इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, और अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है डाउनलोड करें, तो आप लोग जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक नियोजन प्रमाण पत्र भी अपलोड करना पड़ेगा, इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और नियोजन प्रमाण पत्र में आपको ज़्यादा कुछ फिल करना नहीं रहता है, आपको सिर्फ श्रमिक का नाम फिल करना रहेगा और आपने कितने दिनों तक कार्य किया वो फिल करेंगे और क्या काम किया वो फिल करेंगे, नियोजक का नाम, नियोजक का पता, नियोजक का मोबाइल नंबर और नियोजक के हस्ताक्षर को करवा लेने हैं, जो भी मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा उस पर। उसके बाद आपको यहाँ पर करना क्या है, जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे उनका साइज आप लोगों को बनाना पड़ेगा। साइज आप लोगों को कितना रखना है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। फाइल का साइज मैक्सिमम 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए और फाइल की टाइप जो है JPG, JPEG और PNG में होनी चाहिए। और दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है यदि किसी अन्य राज्य के इसी बोर्ड में पंजीकृत है तो आप लोगों को यहाँ पर टिक करना है, और अगर नहीं है तो आपको ऐसे ही इसे रहने देना है। अब आप लोगों का ये एक भाग कंप्लीट हो गया है, अब दूसरा भाग चालू हो गया। इसमें आप लोगों को सिर्फ परिवार के सदस्यों का विवरण फिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सदस्य का पंजीयन संख्या, अगर उसका लेबर कार्ड बना हुआ है तो आपको यहाँ पर पंजीयन संख्या फिल करना है, अगर लेबर कार्ड नहीं बना है तो आपको इस वाले बॉक्स को खाली ही छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर सदस्य का नाम आप लोगों को फिल करना है, सदस्य का नाम हिंदी में आपको फिल नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। यहाँ पर सदस्य का आधार कार्ड संख्या फिल करना है, यहाँ से आप लोगों को सिलेक्ट करना है कि सदस्य स्त्री है या फिर पुरुष है। उसके बाद यहाँ पर आपको सदस्य की जन्मतिथि फिल करनी है, आयु ऑटोमेटिक ही आ जाएगी, यहाँ पर वर्ष ही रहने देना है, और यहाँ से आपको सदस्य से संबंध सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं एक सदस्य यहाँ पर आपको जोड़ करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर श्रमिक के परिवार के एक सदस्य की डिटेल को फिल किया, और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर जोड़े वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एक सदस्य का विवरण यहाँ पर आ चुका है। इसी प्रकार से अगर आप लोग दूसरे सदस्य का विवरण ऐड करना चाहते हैं तो आप लोगों को यहीं पर वही सारी डिटेल फिर से एंटर करना है, और उसके बाद यहाँ पर जोड़े वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है तो दूसरे सदस्य का नाम भी यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार से आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं सभी सदस्यों का नाम आप लोग यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो आप लोगों का ये सब कुछ पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है आपका फॉर्म। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ये कुछ कंसेंट दे देने हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को ये टिक लगा देना है, और जितने भी यहाँ पर बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं सब में आप लोगों को इस तरह से टिक लगा देना है। उसके बाद आपको करना क्या है, एक बार पूरे फॉर्म को आप लोगों को चेक कर लेना है अच्छी तरह से कि कहीं पर कोई भी गलती तो नहीं हो गई है, क्योंकि बाद में गलती सुधार करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए आप लोगों को अच्छे से चेक कर लेना है। और ख़ासकर अकाउंट नंबर तो आप लोगों को एक बार बहुत ही ठीक से चेक कर लेना है, क्योंकि आपके जितने भी लेबर कार्ड का पैसा वगैरह है वो उसी अकाउंट में आने वाला है, और अकाउंट नंबर ही गलत हो जाएगा तो फिर आप लोगों का लेबर कार्ड बनवाने से कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए आप लोगों को पूरी डिटेल एक बार अच्छी तरह से चेक कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहां पर पंजीयन करने वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे उसके बाद आप लोगों को ऊपर की साइड में आना है, तो आप लोगों को यहाँ पर श्रमिक की आवेदन संख्या की जगह पर श्रमिक का आवेदन संख्या मिल जाएगा, और ये आवेदन संख्या श्रमिक के मोबाइल नंबर पर भी सेंड कर दी जाएगी। उसके बाद आप लोग इसी आवेदन संख्या से श्रमिक का स्टेटस भी चेक कर सकते हो। उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका भुगतान आप लोगों को किस प्रकार से करना है। हालांकि 0 रुपये है लेकिन फिर भी आप लोगों को इसका भुगतान करना है। भुगतान करने के लिए आपको उसी पेज के सबसे नीचे के साइड में आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है पंजीकरण अपडेट करें, और दूसरा ऑप्शन है भुगतान करें। तो आप लोगों को सिंपली से भुगतान करें वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। सिर्फ आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर कुछ देर तक प्रोसेसिंग चलेगी, और फिर से इसी पेज पर आप लोग रहेंगे, और कोई भी आप लोगों को पेमेंट करनी नहीं पड़ेगी। तो आप लोगों का इस प्रकार से यहाँ पर भुगतान भी हो जाएगा।
और अगर आप लोग 2 वर्ष के लिए या फिर 3 वर्ष के लिए सिलेक्ट करेंगे तो आप लोगों को 20 रुपये या फिर 40 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। इस प्रकार से आप लोग UPBOCW वेबसाइट के माध्यम से खुद से एक नया लेबर कार्ड बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी, लेकिन अभी भी आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है या फिर आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और भी लोगों में शेयर करें ताकि वो लोग भी घर बैठे अपना श्रमिक कार्ड बना सकें। और मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।